हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फेजी फ्रीक। और भाई यहाँ पर हम लोग आए हैं वॉक्सवैगन के शोरूम में। पोस्टर देख के आपको समझ आ गया होगा। और साथ में है मेरे ये सेकंड हैंड लग्जरी। चल अंदर चलते। हेलो काका। ओ भाई जान, तो वो गाड़ी तो छोड़ो, यहाँ पर ये गाड़ी कितनी मस्त लग रही है ना। सबसे पहली चीज़ तो वॉक्सवैगन के शोरूम में स्कोडा की गाड़ी क्या कर रही है? ये है स्कोडा की रैपिड मोंटे कार्लो वर्जन, ये लग रहा है, लेकिन दिख रही बहुत मस्त है ना गाड़ी। और यहाँ पर ये खड़ी है वॉक्सवैगन की वेंटो, ये भी सैडली जल्द डिसकंटिन्यू हो जाएगी और इसी की जगह पर कंपनी ने लॉन्च की है। चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं वोल्टस को। यहाँ पर आपके सामने ये वॉक्सवैगन की वोल्टस। भाई फर्स्ट इम्प्रेशन तेरा? फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मस्त लगती गाड़ी, लुक जो है वो बहुत प्रीमियम है एंड मतलब ओवरऑल जो मतलब इस गाड़ी के स्पेक्स है वो बहुत अच्छे हैं। और देखो ना, मतलब इस गाड़ी के जब फोटोज आए थे ना तभी ये गाड़ी मतलब एकदम ढांसू लग रही थी। नहीं yes. स्लावी अभी आई, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। बट मैंने मतलब जो वीडियो में देखा, मतलब जो फोटोज में देखा था ना मैंने, वो ये थोड़ी सी लंबी लग रही थी, अभी ये रियल लाइफ में थोड़ी सी छोटी लग रही है। बाकी फिर भी मतलब स्लाविया से कंपेयर करो ना तो पर्सनली मुझे ये गाड़ी का लुक ज़्यादा पसंद आया। नहीं अब देखो, स्लाविया के साथ में अगर आप 1 लीटर लेते हो या फिर 1.5 लीटर, एक्सटीरियर में इंटीरियर में कोई चेंजेस रखे ही नहीं है, पूरी गाड़ी सेम आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर वॉक्सवैगन खेल गई है। यह है 1 लीटर वाला इंजन जो कि नॉर्मल इंजन है, टेक लाइन। अब आप GT लाइन लोगे ना 1.5 लीटर वाला, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे ना, एक मिनट वो भी दिखा देता हूँ। हाय भाई, कैसी लगी गाड़ी? बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त। जो वाइट कलर जो दिख रहा है जब वो GT वेरिएंट में आएगा, हाँ लगेगा। तो देखो मैं वही आपको बता रहा था, अभी ये 1.5 लीटर खड़ी है यहाँ पर GT लाइन। यहाँ पर ट्विग्स दिए एक्सटीरियर में, देखो अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो या फिर ORVMs इंटीरियर में। मतलब 1.5 लीटर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है इस गाड़ी का और डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा बिकेगा ये। तो चलो अभी बाकी यहाँ पर ये वाइट में भी खड़ी है और ये वाइट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। नहीं मतलब यहाँ पर ना पसाट के भी वाइब्स आ रहे हैं गाड़ी में। और ये भाई ये रही जेटा छोटी वाली। खैर अब ये कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंप्रेशन देख लेते हैं कैसी लग रही है गाड़ी। अब फ्रंट प्रोफाइल आप इस गाड़ी का देखोगे ना तो काफ़ी बल्की बल्की सा लगता है। और अगर ये ब्लैक जो ब्लैक यूज़ किया है ना, ब्लैक एक्सटीरियर जो यूज़ किया ना, अगर ये नहीं करते ना तो ये और ज़्यादा माचो दिखती। बट वही ओवरऑल बल्क रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है क्रोम का इस्तेमाल। देखो यहाँ पर भी क्रोम की पट्टी, यहाँ पर भी क्रोम की पट्टी, यहाँ पर भी क्रोम की पट्टी। एयर डैम्स काफ़ी बड़े हैं पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। फॉग लैम्प्स की हाउसिंग तो देखो कितनी बड़ी है, हेडलाइट से बड़े तो वो फॉग लैम्प्स लग रहे हैं। और ये आपको हैलोजन मिलने वाले हैं, हालांकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉर्नरिंग फंक्शन। अब ये टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पर देखिए LED आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है, LED DRLs यहाँ पर, टर्न इंडिकेटर सैडली यहाँ पर हैलोजन ही है। हाय सर। बाकी आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ उस साइड से। तो वर्टस जो है अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी होने वाली है। इनफैक्ट स्लाविया से भी 20 mm आपको ये बड़ी मिलेगी बम्पर के वजह से आगे और पीछे के। बाकी ये है ओवरऑल इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल, काफ़ी स्लोपी सा लगता है। नहीं और ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो इस गाड़ी का, मतलब हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग तो ये गाड़ी भी कर दी, कैसा लग रहा है इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस को देख के। नज़दीक लेके चलता हूँ आपको तो समझ में आएगा। ये देखो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, और देख रहे हो कितना ज़्यादा है। ये है इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स, चलते उसके तरफ भी, बाकी ओवरविम्स वगैरह छोड़ो। डोर हैंडल्स यहाँ पर ये बॉडी कलर भी है और क्रोम भी है। रिक्वेस्ट सेंसर्स दोनों ही डोर्स पर आपको मिल जाएंगे फ्रंट में। अब आते हैं भाई टुवर्ड्स दी रियर प्रोफाइल, और ये है इस गाड़ी का रियर। रियर देख रहे हो इस गाड़ी का, यहाँ से तो ये जेटा लग रही है पक्का, कोई शक ही नहीं इस चीज़ में। यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल, देखो नीचे की तरफ, और क्रोम ना काफ़ी ज़्यादा जच रहा है इस गाड़ी के ऊपर। वाइट में तो ये बहुत ज़्यादा ढांसू लगेगी। और खैर यहाँ पर TSI वर्टस वगैरह की बैचिंग तो है। और ये है इस गाड़ी के टेल लाइट्स, हेडलाइट्स से अच्छे इस गाड़ी के मुझे टेल लाइट्स लग रहे हैं। और ये जो ब्लैकआउट किया है ना तो ये स्पोर्टी बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर भी एक क्रोम ट्रीटमेंट अंदर की तरफ आप देख सकते हो वॉक्सवैगन का लोगो। अब 1.5 लीटर GT में आपको यहाँ पर स्पॉइलर भी दिया जाता है जो कि यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओपन कर लेते हैं गाड़ी के बूट को, खुलती क्या ज़ोर से है ये। ओ भाई नीचे का आ रही है। तो यहाँ पर आपको मिलती है 520 लीटर्स की बूट स्पेस, कितनी ज़्यादा स्पेस है देखिए इंटीरियर में। यहाँ पर भी कोई सोकर जा सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर थैंकफुली इन्होंने कवर दिया है जो कि मोस्टली हर गाड़ियों में आता नहीं है। अपलिफ्ट भी ज़्यादा हाई नहीं है तो ईजिली बैग्स रख सकते हो या उन्हें बाहर निकाल सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलेगा ये स्पेयर व्हील जो कि आपको स्टील में मिलने वाला है।
इसको करते हैं बंद। बिल्ड क्वालिटी तो भाई कोई डाउट ही नहीं कर सकता इस गाड़ी का। अब इंटीरियर में चलते हैं और ये है इस गाड़ी के इंटीरियर्स। एक्सटीरियर जितना ढांसू है ना उतना ही ढांसू इंटीरियर भी है। बैठते हैं अंदर की तरफ। अब मैं ये टॉप एंड वेरिएंट है तो प्लीज़ देखा आपने डोर लॉक, डोर थोड़ा देखा कितना कड़क था इस गाड़ी का। अब यहाँ पर ये देख लीजिए रीडिंग लाइट जो कि आपको एलईडी मिलेंगे। इंटीरियर जो है ना यहाँ पर थीम या फिर लेआउट ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता आपको मिलेगा वॉक्सवैगन टाइगन के साथ में। ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट काफ़ी मस्ती लग रही है जो कि टच स्क्रीन को कनेक्ट होती है। यहाँ पर ये देखो हैजर्ड बटन आपको मिल जाएगा, एसी वेंट्स यहाँ पर, ऑटोमेटिक एसी, सेम यूनिट जो कि टाइगन में भी आता है और ज़बरदस्त काम करता है अनडाउटेडली। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलने वाला है, दो सी टाइप पोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। यह है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर 1 लीटर के लिए, और 1.5 लीटर आपको सिर्फ 7 स्पीड DSG के साथ में अवेलेबल की गई है। यहाँ पर ये देख सकते हो वेंटिलेशन के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं, फ्रंट सीट्स आपको वेंटिलेशन के साथ में मिल जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यहाँ पर स्पेस दी गई है, आर्मरेस्ट मिलेगा लेदर में। सीट्स ना भाई बहुत कंफर्टेबल है इस गाड़ी के यार, मतलब लेदर सीट से वेंटिलेशन के साथ में ओ हो हो बहुत मजा आएगी गाड़ी चलाने। या पीछे चलते हैं इसके, और यहाँ पर ये देखो स्पेस देख रहे हो आप। व्हील बेस इस गाड़ी का अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, सेम स्लाविया जितना। MQB A0IN प्लेटफॉर्म पर बनी है ये गाड़ी, तो स्पेस आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। सीट्स ना भाई अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है इस गाड़ी के, मतलब ट्रैवल करने तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। और जो स्पेस देख रहे हो ना पीछे कितनी आपको मिल रही है अंदर बैठ के वो भी देखते हैं। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं, साथ ही में तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दिए जाते हैं। सेफ्टी से तो भाई कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली वॉक्सवैगन, चाहे बिल्ड क्वालिटी हो या सेफ्टी फीचर्स हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एसी वेंट्स, यहाँ पर ये सी टाइप पोर्ट्स आपको 2 मिल जाएंगे। बट देखो यहाँ पर ये 2 तो दिए हैं, लेकिन एक नॉर्मल देते तो चलता, क्योंकि भाई यार हर कोई सी टाइप फ़ोन नहीं यूज़ करता है, तो किसी किसी के लिए ये दिक्कत आ सकती है। बाकी हेडरूम वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, काफ़ी अच्छी हेडरूम है मेरे हेड के हिसाब से। यहाँ पर भी आपको ये एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही मैं आगे की तरफ सनरूफ आप देख सकते हो, जब रिव्यू करूँगा तो ये चीज़ भी दिखा दूँगा। अब चलते हैं टुवर्ड्स दी 1.5 लीटर GT वेरिएंट। तो यहाँ पर देखो ये खड़ी है। अब यहाँ पर चेंजेस के मामले में फ्रंट से तो गाड़ी सेम है, यहाँ पर आपको ये GT की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। आते हैं टुवर्ड्स दी साइड प्रोफाइल, और भाई ये चीज़ मतलब क्या कड़क लग रहे हैं यार, ये ब्लैकआउट ज़बरदस्त लग रहे हैं इस गाड़ी के साथ में, और ये वाइट में तो क्या ही लगेंगे। यहाँ पर भी ये GT की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएंगी, ओवर व्हील्स आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, रूफ इस गाड़ी का आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगा। कमिंग टुवर्ड्स दी रियर, हाँ 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 ये चीज़ देखो क्या लग रही है यार, ये चीज़ भी मतलब कमाल कर दिया यार। इंटीरियर देखो इस गाड़ी के, तो चलो यहाँ पर इंटीरियर देख लेते हैं 1.5 GT का। अब यहाँ पर आपको चेंजेस क्या मिलने वाले हैं, इंटीरियर्स ड्यूअल टोन फिनिश में आपको यहाँ पर भी दिए जाते हैं, लेकिन जो सीट्स है ना ये आपको ऑल ब्लैक मिलेंगे विद दिस रेड स्टिचिंग। साथ ही में यहाँ पर ये देखिए ये रेड फिनिश आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, बाकी उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है इंटीरियर में। और यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको ये रेड में मिलने वाली है, ऑटो इनसाइड रियर व्यू मिरर, बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगी। यहाँ पर भी ये ब्लैक ट्रीटमेंट। तो आपको कौन सा इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पर्सनली एक्सटीरियर लुक तो डेफिनेटली मुझे 1.5 लीटर के बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी ये वाइट वाली देख सकते हो आप यहाँ पर, ये भी काफ़ी मस्ती लग रही है यार गाड़ी, मतलब कमाल कर दिया। तो ये थे गाइस हमारे फर्स्ट इंप्रेशन, रिव्यू जल्दी लेकर आऊँगा इस चीज़ का भी, इसका कंपैरिजन इसके साथ सभी चीज़ें आएगी चैनल पर। तो जाते जाते फेसबुक को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ़ोटो में भी काफ़ी मस्ती लगती है यार ये गाड़ी।